मॉर्निंग किड्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने रिवीजन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है, तो आज हम लोग आगे के रिवीजन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सो किड्स, आपका जो नेक्स्ट रिवीजन हो जाएगा मीन्स रिवीजन नंबर 6, उसमें आपको क्या करना है, आप लोग एक्सरसाइज 3.1 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन गिवन होगा, तो आप रिवीजन नंबर 5 तो किया ही है, देन रिवीजन नंबर 6 में आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा क्वेश्चन ए बी सी एंड डी। ओनली ये 4 क्वेश्चन आपको राइट करना है रिवीजन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 2 से आप क्या राइट करेंगे, ए बी सी। सिंपल, बहुत इजी है, सी एंड डी आल्सो। मैंने दोनों करना आपको सिखाया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को सर्च करके ज़रूर ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद वर्क को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिवीजन नंबर 6 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिवीजन नंबर 7। होप सबको दिख रहा होगा, तो रिवीजन नंबर 7 में आपको क्या करना है, ये मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज 3.2 पर। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी, ये 4 क्वेश्चन आपको रिवीजन नंबर 7 में करना है। ठीक है, क्लियर हुआ रिवीजन नंबर 7। एंड आफ्टर दिस, आफ्टर द रिवीजन नंबर 7 हम लोग रिवीजन नंबर 8 करेंगे। और रिवीजन नंबर 8 आपको कहाँ फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा एक्सरसाइज 3.3 में। और एक्सरसाइज 3.3 में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिख रही होंगी, इन वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम आप करेंगे, सी डी एंड ई, इन 3 वर्ड प्रॉब्लम को आपको नेक्स्ट रिवीजन में सॉल्व करना है। क्लियर हुआ, अगर ये वर्ड प्रॉब्लम करने में आपको प्रॉब्लम आएगी देन आपकी क्लास के जो प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब पर, उसमें वीडियो है कैसे किया गया है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अच्छे से समझाया है, आप उसको पहले देख लेंगे और उसके बाद इस रिवीजन वर्क को करेंगे। ठीक है, रिवीजन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी की भी कॉपी देख कर और सीधे से राइट कर लें, रिवीजन करने का मतलब होता है कि आप खुद से उस वर्क को करें। आया बच्चों समझ में, सेल्फ करना होता है, खुद से करना होता है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आप पहले, अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर सर्च करके वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर क्वेरी करेंगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों ये आपका टेस्ट है, इसका मार्क्स आपके रिज़ल्ट में ऐड होने वाला है, सो आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ें। ठीक है, अभी तक अगर जिन बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने तो वर्क कंटिन्यू किया है, कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कि करते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है अब वो अपनी स्टडी पर फोकस करें, बिकॉज अब आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आपका आफ्टर एग्जामिनेशन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मीट करेंगे और वहाँ पर कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है।